क्लास 7 हिंदी चैप्टर 15। इस चैप्टर का नाम है दक्षिण गंगा गोदावरी। तो गोदावरी एक नदी का नाम है, ठीक है, तो जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो ये अक्सर जीके में भी आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी। तो आप इसके जो गोदावरी का जो नदी का जो खासियत क्या है उसको लेखक ने, जो इस कहानी का जो लेखक है काका कलेलकर, एक नदी की सांस्कृतिक ऐतिहासिक भौगोलिक उपयोगिता से अवगत कराता है कि कैसे नदी अपने जीवन रचती है, कैसे बनाती है व कैसे बहती है और कहाँ तक जाती है व किस प्रकार से अपने रास्ता तय करती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मद्रास से राजमहेंद्री जाते हुए बिजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे इसलिए पूछना ही क्या, जहाँ तहाँ विविध छटावली हरियाली फैल रही थी। तो यहाँ मौसम को अज्ञात कराता है कि यहाँ पे सूर्योदय बरसात के दिन थे जब हरियाली छाई हुई थी छटावली। तो मद्रास से राजमहेंद्री जाते हुए बिजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ, मतलब सुबह का समय जब लेखक ने जा रहा था। पूरब की तरफ एक नहर रेल की सड़क के किनारे किनारे बह रही थी, पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिख पड़ता, सिर्फ तितली की तरह ही अपने आप पाल फैला कर कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते, इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतारता हुआ दिखाई पड़ता और इससे पानी की गहराई और भी अतः हो जाती। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता। इस तरह कविता प्रवाह से बहकर जाते हुए कोवूर स्टेशन आ गया। मन में यह उमंग भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। जब वह ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो लेखक के नज़र में कुछ ना कुछ उधर देखने को मिलता है। अगर हम लोग कभी ट्रेन के सफ़र में कहीं जाते हैं तो नदी नाले पहाड़ पर्वत पार करके चलते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार लेखक जब चल रहे थे तो नदी नाले बीच बीच में छोटे छोटे तालाब दिखते थे और अक्सर बरसात के दिन जाते वक्त देखिएगा कि नदी किस तरह से भरा पूरा रहता है। तो ऐसे ही जाते जाते हुआ एक स्टेशन कोवूर स्टेशन, जिसका नाम है कोवूर स्टेशन, पहुंचता है। वहां से अब वह गोदावरी की राह देखता है। पुल पर से गुजरते वक्त दाएं देखिए या बाएं, हम इसी उधेड़पुन में थे, पुल आ गया। भगवती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखाई पड़ा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, एरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह जीज भरकर देखे हैं। बिजवाड़े में कृष्ण माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूँगा, लेकिन राजमहेंद्र के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। इस जगह पर तो अभी वह गोदावरी पहुंच जाता है और वह गोदावरी को देखते बहुत बड़ा विशाल उसकी जो आकार है ना नदी का जो साइज। इस जगह पर मैंने जितने भव्य प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। पश्चिम की तरफ नज़र फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियां नज़र आई। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक ना था। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी की धूले धूसरित मटमैले जल की छाएं और भी गहरी हो रही थी। ऊपर की और नीचे की छाएं के कारण इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता, या इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा। तो वह कल्पना करने लगा है गोदावरी की विशाल नदी को देखकर कि इतना सारा पानी यहाँ पे कहाँ से आता हो। कभी आपने नदी पे उतर के इमेजिन करते हो नदी को देख के, तो ऐसे ही इमेजिन करता है लेखक कि इतना सारा, इतनी बड़ी नदी में पानी कहाँ से आता होगा।
विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता और चारों तरफ अपने समृद्ध फैलाता, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता दिखाई पड़ता है। छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं, जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचे उछले। तो गोदावरी में बहुत सारे नौका सब भी, बड़े बड़े जहाज भी, कुछ छोटे बड़े जहाज भी वहाँ पे चलते हैं। तो इसको लेखक ने क्या कहा है, यह एक नदी के बच्चे हैं जो माता के स्वभाव से परिचित। तो गोदावरी को एक माता की गोद की उपासना, उसकी धारणा दी गई है। लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहाँ तहाँ पड़ते हुए भावरों को देनी चाहिए। कुछ देर दिख पड़े, थोड़ी ही देर भयानक तूफान सा रचा और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े। भावर ना जाने कहाँ से आते और कहाँ चले जाते। तो अचानक वह तूफान उठ पड़ता है वहाँ पे, और यहाँ पे तूफान सा उठ पड़ता है, भावर ना जाने कहाँ से आते और कहाँ चले गए कहता है। ऐसे लंबे चौड़े भारी पट के दरमियान अगर टापू ना हो तो इनकी कमी ही रह जाए। गोदावरी के टापू अत्यंत प्रसिद्ध है, कई तो पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं, और कई एक कवि की प्रतिभा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल नवीनता उत्पन्न कर लेते और नया नया रूप ग्रहण करते। इन टापू मतलब जो कि नदी के बीच में आप लोग देखते हैं ना, बड़ा बड़ा जो चट्टान का जो द्वीप जैसा बना हुआ रहता है, वहाँ पे कभी स्थिर होता है स्टीमर जहाँ सब, उसी को टापू कहा जाता है। तो टापू ऐसे ही गोदावरी नदी में भी अक्सर बहुत देखने को मिलता है। इन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाए, और जब बगुले चलते हैं तो वे उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े और बगैर जगह कैसे से अपने धवल चरित का अनुकरण करने वालों के लिए चरण चिन्हों द्वारा अगर दिशा सूचित ना करे तो बगुला ही कैसे। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। तो नदी का किनारा हमेशा मनुष्य के लिए एक प्रेरणादायक होता है। किनारे पर के सफ़ेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। परंतु इतने ही से कव्य संपूर्ण नहीं हो जाता, इसलिए भक्त लोग नदी के की लहरों पर से मंदिरों की घटा नाद की लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचाते हैं। तो नदी का जो साइड रहता है वह अक्सर पुजारी पंडितों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही रोमांचक सिद्ध होता है। अक्सर बड़े बड़े मंदिर नदी के किनारों के आसपास से बनाए जाते हैं और इस पार से उस पार उनके पवित्र जल को पर्याप्त पहुंचाते हैं। उपासक भारतवासी इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उड़ेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भर कर ले जाते। तो बड़े बड़े नदियों को अक्सर वहाँ के जल को पवित्र जल मानते हैं। कितनी भव्य विधि है, कितना पवित्र काव्य है। यह भक्ति रस तो हृदय से भरा हुआ है और मंदिरों के घटा नाद तथा इस हृदय नाद को तो पूर्व स्मृति ने ही सुनाया, कानों को तो सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अगर हम आधुनिक संस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दे तो रेल के पहिए का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं लगता। तो इस प्रकार से इसका जो खासियत है ना, इसका जो गोदावरी का जो इतना विशाल बड़ा आप लोग देख रहे हैं, गोदावरी के एक पवित्र जल में यहाँ पे एक साधु सन्यासी को सह और वहाँ के जल को एक शुद्ध पवित्र मानते हैं, और कितना सुंदर आकाश और मंदिर बीच में खड़ा पड़ा है। पुल पर गाड़ी अच्छी चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूर्व की तरफ देखना तो छूट ही गया। हमने इस तरह घूमकर देखा तो वहाँ
निराली की रौनक नजर आई। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज़्यादा पूरब में थी, तो पूर्व की ओर गोदावरी नदी का जो सैड है वह बहुत ही चौड़ा है। गोदावरी तो धीरे गंभीर माता ही ठहरी, उसको माता के रूप में दर्शा दिया गया है। उसका संभ्रम भी उदात्त रूप में ही प्रकट हो सकता है। इस ओर के टापू जो यहाँ पे दिखाया गया, इस प्रकार का जो बीच बीच में नदी में रहता है ना बड़े बड़े, उसी को टापू कहा जाता है। अगर बहते हुए पानी के हमले में सामने टक्कर लेते इन दो टापुओं में किसी ने ऊंचे महल बनाए तो इसे ही टापू आसपास ही कुछ मंदिर वगैरह खड़ा कर देते हैं और एक जहाज के जरिए वहाँ पे लोगों का आना जाना प्रवाहमान रहता है और लोग वहाँ से आते जाते हैं, उसमें कभी दर्शनीय स्थल बन जाते हैं। दाहिनी ओर नदी के किनारे से सटकर मस्ती और अल्हड़पन के साथ बहते हुए कंस के सफ़ेद कलगियों के स्थावर प्रवाह दूर दूर तक जाता हुआ नजर आ रहा था। नदी के पानी में उन्माद था, उसमें लहरें ना थी। कलगियों के इस प्रवाह ने हवा के साथ साथ जो षड्यंत्र रचा था उससे वह मनमानी हिलोरे उछाल सकता था। कम हो भी क्यों, लेकिन कंस की कलगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा था। गोदावरी के प्रवाह के साथ छोड़ करते भी उसे संकोच ना होता और वह संकोच क्यों करे। गोदावरी माता के विशाल तट पर इसने क्या कम स्तन्यपान किया था। माता गोदावरी राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने स्तनपान कराया है, तो गोदावरी की महिमा कर रहा है कि आप राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु सबको तूने ही मतलब जन्म दिया, पान स्थान पान पाल पोसा। तेरे तट पर शोर वीर भी पैदा हुए हैं, मतलब बड़े बड़े वीर लोग भी आपके किनारे पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी साधु संत भी जन्मे हैं। धुरंधर राजनीतिज्ञ और ईश्वर भक्त भी, चारों वर्णों की तू माता है, चारों वर्णों की माता इसको कहा गया है। मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है, नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। तेरे जल में अमोघ शक्ति है, तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस प्रकार से उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को लेखक कलेलकर हम पाठकों को बताता है कि आपके आसपास आपकी नदी इतनी खासियत है कि आपके आसपास जितने भी लोग पैदा हुए वह बहुत ही वीर भक्त ईश्वर भक्त दयालु और बहुत ही अच्छे किस्म के लोग उसमें निवास करते हैं, आपका जल को पवित्र मानते हैं और वहाँ का जल को व्यर्थ नहीं होने देते हैं। इस प्रकार से गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी, ठीक है। इसका लेखक जो है काका कलेलकर। एक बार आप लोग कहानी को अच्छी तरह से एक बार ज़रूर रीड कीजिए, उसके बाद में इधर वर्ड्स मीनिंग दिया गया उसे याद कीजिए और इधर सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है इधर होमवर्क के तौर पर सबको आप लोग कर लीजिएगा, छोटा छोटा सेंटेंस में भी आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, मैं चेक करूँगा, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो मैं आप लोगों को मैसेज कर दूँगा, ठीक है। नंबर 5 गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर, ये जो गद्यांश है उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, 3 लाइन का सेंटेंस है, वहीं से ये क्वेश्चंस तीन क्वेश्चंस दिया गया है उसका आंसर इसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इधर नहीं कीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट इधर संधि विच्छेद आप लोग कर लीजिए, दिए गए शब्दों में संधि करो और स्वर संधि के अनुसार उसके भेद का नाम लिखो।
पर उपकर पर जुड़कर परो पर उपकर रवि छोड़ इंद्र रविंद्र इस प्रकार। और इधर पर्यायवाची शब्द है, आप लोग इसको कर लीजिएगा अपने नोट कॉपी में, ठीक है।